हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 लाइन बाय लाइन रिवीजन सीरीज में चैप्टर वन कर चुके हैं, रे ऑप्टिक्स कर चुके हैं। सो अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करने जा रहे हैं। इसके बाद आपकी क्लास 11th का मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है। एक एक, एक लाइन इसमें कंसेप्ट से भरा हुआ है। इन क्लास 6 एंड 8 द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस। सो पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये पोटेंशियल एनर्जी है क्या? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर against a force like spring force or gravitational force, that work get stored as potential energy of the body. So ये बहुत important line है। External force, कोई भी external force यदि work done करता है और एक कोई point मान लो point P1, दूसरा कोई पॉइंट P2 ले लो। हम लोग अभी ग्रेविटेशनल के ही रिस्पेक्ट में पहले बात करके देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल में यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट वन से लेकर के और पॉइंट P1 से P2 तक ले गए, सपोज करो उसको h हाइट तक ले गए, तो इसमें ये जो वर्क आपने किया, ये जो एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया, वो बेसिकली इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 था तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में क्या हो जाता है? mgh हो जाता है। So, आपने एक्सटर्नल जो फोर्स लगा ऊपर की तरफ एफ एक्सटर्नल, उसने एमजी के अगेंस्ट काम किया है। ध्यान दो, एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट काम किया है? ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट। सो डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी अगेंस्ट अ फोर्स, इसलिए यहां पर कहा एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट अ फोर्स। उसी तरह से स्प्रिंग का देख लेते हैं। सपोज करो कि कोई एक स्प्रिंग है ऐसा, ठीक है, जो अपने नेचुरल लेंथ में है। अब इस स्प्रिंग को आपने ये धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाया, जो कि पीछे की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था उसको काउंटर बैलेंस करते हुए एक्स लेंथ से यदि बढ़ा दिया है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जब ये यहां पर आता है उसको क्या बोलते हैं? 1/2 kx². सो When the external force is removed, जब external force को remove कर दिया, means के यहाँ पर जो external force ऊपर की तरफ जो इसको रोक रखा था उसको छोड़ दिए, तो ये क्या होगा? अपने आप नीचे गिरेगा। और नीचे जाने के क्रम में जब यहाँ पर पहुंचेगा तो सारा potential energy इसके kinetic energy में change हो जाएगा। So potential energy change to kinetic energy, potential energy जितना था वो kinetic energy के equal हो गया। उसी तरह से स्प्रिंग में भी छोड़ोगे तो यहाँ पर जब आएगा ना, तो ये मैक्स इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल 1/2 kx² के इक्वल हो जाएगा। सो द बॉडी मूव्स गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड लूजिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब सपोज करो कि कोई मिडिल पॉइंट यहाँ पर ले लिए, तो यहाँ पर में जितना इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज किया, ये सपोज करो कि ये अब हाइट रहा एक्स, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज कितना कर लिया होगा? mgh - mgx। और इतना ही ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, मीन्स कि इस पॉइंट पर भी टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट है और उसका वैल्यू कितना है? mgh के। मीन्स कि एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हो रहा है। आप मान रहे हो कि ऐसा फोर्स, इस टाइप के फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर दस कंजर्व रहता है, उसका जो सम है, इसलिए हम लोग इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। सो हमेशा ध्यान दो कि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके वर्क डन करोगे तो वो जो वर्क डन होता है W, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे, ये सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ये सब एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स का। वैसे ही आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा चीज है कि कूलम फोर्स जो है 2 चार्जेस का वो कंजर्वेटिव होगा। क्यों कंजर्वेटिव होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल और कूलम्स दोनों इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस को
फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 / r² और कूलम्ब जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कितना होता है 1/4 πε0 q1 q2 / r². तो दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ है, केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस है। सो ये दोनों का नेचर एक ही टाइप का होगा। Just like the potential energy of a mass in gravitational field, we can define electrostatic potential energy of a charge in electrostatic field. तो वहाँ पर जैसे gravitational potential energy बोलते हैं, जो MGH केवल potential energy मत बोलो, आप उसको बोलो कि gravitational potential energy, वैसे ही यहाँ पर एक term आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी पर ये पूरा आपको चैप्टर बेस्ड है, इसका कंप्लीट होने का आपको मजा आ जाएगा। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अभी है क्या, कैसे इसमें एनर्जी स्टोर होता है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। फर्स्ट फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर द फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू कैपिटल क्यू test at origin. Now imagine that we bring a test charge small q from point r to point p against the repulsive force on it due to charge q. देखो हम लोग धीरे धीरे इसके बहुत सारे concepts को, बहुत सारे गांठों को, बहुत सारे समस्याओं को खोलते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो चार्ज प्लस q है वो ओरिजिन पर रखा गया है, आपके आपको आसानी से कैलकुलेशन हो सके इसके लिए रखा गया होगा, ठीक है। और एक कोई दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू है जिसको आप टेस्ट चार्ज बोल रहे हो, जिसका वैल्यू कम है, उसको पॉइंट आर से पॉइंट पी पर लाया जा रहा है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, वो इस पर एक फोर्स लगेगा। यदि दोनों सेम चार्ज का होगा, यदि क्यू और क्यू आपको या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, ठीक है, मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यदि ग्रेटर देन जीरो होगा, इस पर एक इस तरह फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कितना इक्वल होगा, एफ होगा 1/4 πε0 q × Q² जहां आर क्या है, यहां से इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो यदि मैं बोलूं ये वाला डिस्टेंस इस पॉइंट पर आर है, अब इसको इस तरफ लाने के लिए आपको एक इसी का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको आप बोलोगे एफ एक्सटर्नल या एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि डिस्टेंस के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है, मीन्स कि डिस्टेंस के हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स भी चेंज होगा। और दूसरा क्या है ना कि एफ एक्सटर्नल, यदि आपको इसको बोलते एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यदि ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल होगा तब क्या होगा, चार्ज will come with infinitesimally slow speed, ठीक है, मीन्स कि बहुत धीरे धीरे आएगा, कितना दिन में उससे आपको मतलब नहीं है, बस ये हल्का सा एफ एक्सटर्नल एफ ई से बड़ा हो जाएगा, बस धीरे धीरे चलने लगेगा। आपने इसके इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि आपको जितना भी ये वर्क डन करे ना, उस सब के सब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होना है, ठीक है। आप सपोज करो कि एफ एक्सटर्नल जो है वो एफ ई से बड़ा है और अच्छे खासे मार्जिन से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, ये तेजी से आ जाएगा, तेजी से आएगा तो इसमें एक स्पीड भी आ गया, स्पीड आ गया मीन्स कि जो भी एफ एक्सटर्नल जो भी वर्क डन किया ना, वो दो पार्ट में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी के पार्ट को जीरो करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको एकदम धीरे धीरे लाएंगे, इसका जो रिपल्सिव फोर्स जो ये लग रहा है ना एफ ई, इसको जस्ट काउंटर करते हुए, क्लियर है। सो ये देखो यही सारी बातें लिखी गई है, जब दोनों पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं तभी ये आपको रिपल्सिव फोर्स लगता है। और आप क्या करोगे ना कि ये जो क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज, इसको बहुत स्मॉल लोगे, ठीक है, क्यों स्मॉल लोगे, ताकि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर प्लस क्यू का है उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये यदि स्मॉल क्यू पर रिपल्सिव लगाएगा इस तरफ, तो स्मॉल क्यू भी तो इस पर रिपल्सिव लगाएगा, और उस केस में जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो आपको आर चेंज हो जाएगा। सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, नेमली द चार्ज कैपिटल क्यू एट द ओरिजिन, और येल्स वी कीप क्यू फिक्स्ड एट ओरिजिन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्सेस। Secondly, in bringing the charge small q from R to P, we apply an external force, F external, just enough to counter the repulsive electric force, जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, there is no net force on or acceleration of the charge q when it is brought from R to P, that is, it is brought with infinitesimally
स्लो कॉन्स्टेंट स्पीड। क्लियर है, समझ गए आप लोग? अब देखो क्या बोल रहा है कि इन दिस सिचुएशन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गेट्स फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू। ये भी अच्छा कंसेप्ट है। देखो मैं आपको एमजीए से बताता हूं, ठीक है। यहां पर कोई बॉडी है, इसको यदि आप ऊपर ले गए एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल ऊपर लग रहा है, नीचे में एमजी लग रहा है, दोनों एक दूसरे को जस्ट काउंटर कर रहा है, दोनों एक दूसरे के जस्ट बराबर है। सो एफ, यदि ये बॉडी यहां से एक्स डिस्टेंस गया तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन किया वो कितना हो गया आपको, एम जी इंटू एक्स, क्योंकि एफ एक्सटर्नल आपको एम जी के बराबर है, जस्ट धीरे धीरे ले जा रहे हो। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को जी एफ से मैं दिखा रहा हूं, ये कितना हो गया एम जी इंटू माइनस एक्स, इट इज माइनस एम जी एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना होता है, एम जी एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा ये आप बोलोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर बोलोगे माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का यदि डाउट हो तो मेरा वीडियो है, उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, एफ ई, ठीक है। और यही आप बोलोगे, ठीक है, देखो यही चीज यहां पर लिखा गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज Q. If the external force is removed on reaching P, okay, the electric force will take the charge away from Q. The stored potential energy at P is used to provide kinetic energy. जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि force को हटा दोगे तो potential energy kinetic energy में change हो जाएगा, और इस तरीके से change होता जाएगा कि sum of kinetic and potential energy is conserved remains constant, provided कि हम लोग मान रहे हैं कोई भी फ्रिक्शनल टाइप का कंपोनेंट नहीं है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी, आपको मालूम है कि यहां पर कैपिटल क्यू है और यहां पर चार्ज स्मॉल क्यू है, इसको आर से पॉइंट पी तक लाना है। हर एक पॉइंट पर फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए आप सिंपल ये डिस्टेंस नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते फोर्स इन टू एक्स ना, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, किसी भी आर डिस्टेंस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लेना होगा और डी आर डिस्टेंस से उसको मूव कराना होगा, ठीक है। आर डिस्टेंस पर फोर्स लोगे उसका वैल्यू होगा एफ एक्सटर्नल, और उसको डी आर डिस्टेंस से मूव करा दोगे, और उसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू बोलो। और उस डी डब्ल्यू को जब आप इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम R to P, आपको आ जाएगा टोटल वर्क डन, और यही वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, F external minus FE के इक्वल है, तो ये माइनस साइन के साथ भी लिख सकते हो। दिस वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। A particle with charge Q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference between points R and P. देखो बहुत अच्छा concept है। आपने charge Q रखा, ठीक है, यहाँ पर। अब ये point R से आप P तक ला रहे हो। ऐसा नहीं बोलोगे कि R पर जब charge Q था तो उसका potential energy zero हो गया। ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो तभी होगा जब यहां पर ये चार्ज क्यू जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स लगा रहा है एफ एक्सटर्नल एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो जीरो के इक्वल हो जाए, और वो पॉइंट होता है इन्फिनिटी। मीन्स कि जब टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे होगा तब पोटेंशियल एनर्जी इसमें जीरो होगा। मीन्स कि पॉइंट क्यू पे इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसको आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। वैसे ही आप ये, सॉरी आर है, सो
इसको आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर। वैसे ही पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। और ध्यान देने वाली बात है कि यूपी और यूआर दोनों आपको ग्रेटर देन जीरो होगा। एट्रैक्टिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, क्यों होता है हम लोग देखेंगे। रिपल्सिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इन्फिनिटी पे जब चार्ज होता है तो नो फोर्स मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो ये जो वर्क डन हुआ ना, ये वर्क डन ये बेसिकली आपको इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। दस द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे भी देखो, जब आप किसी बॉडी को ले जाते हो एच हाइट से, तो इनके बीच का पॉइंट पी टू है, ये पी वन है, तो पी टू माइनस पी वन बोलते हो एम जी एच, ना कि पी टू इज इक्वल टू बोल देते हो एम जी एच। सो नोट दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, हेंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव, दैट इज माइनस डब्ल्यू आर। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ गए होगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये आपको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा वो निगेटिव होगा। देयरफॉर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज मूविंग विदाउट एक्सलरेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट one point to another for electric field of arbitrary charge configuration. Two important comments may be made at this stage. Pahla hai, the right side of equation 2.2, ye wala jo equation hai, delta U is equal to UP minus UR is equal to WRP, depends only on the initial and final position of the charge. देखो, हर conservative force के केस में ये होता है, आप एक point P है, दूसरा point R है, आप R से P ऐसे लाओ, R से P ऐसे लाओ, R से P आप पूरी संसार को घुमा कर ले आओ, उससे कोई मतलब नहीं। R के respect में एक potential energy होगा UR, P के respect में होगा UP, और जैसे भी घुमा करके लाओगे ना, ये जो difference होगा ना WRP, वो होगा UP माइनस UR। चाहे आप इसको 3 दिन में लाओ, चाहे 3 साल में लाओ, चाहे पूरी संसार घुमा कर लाओ, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, और ये इसके केवल केस में नहीं होता है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं सबके केस में होता है। ग्रेविटी में भी आप ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। It means that the work done by electrostatic field in moving a charge from one point to another point only on the initial and final points and is independent of the path. Path independent होता है, ठीक है, इसलिए इसको potential energy को हम लोग क्या कहते हैं, potential energy is called as point function. ये क्या होता है, point function, point पर depend करता है, path पर depend नहीं करता है। This is the fundamental characteristics of a conservative force. अच्छा, conservative force एक बड़ा अच्छा point है। यहाँ से लेकर यहाँ तक गए और यहाँ से फिर लौट के यहाँ तक आ गए, तो net work done कितना हो गया, जीरो। भले ही आप कुछ कितना भी काम कर लिए हो, लेकिन घूम करके आ जाओगे तो जीरो हो गया। The concept of potential energy would not have been meaningful if the work dependent on the path. The path independence of work done by electrostatic field can be proved using the Coulomb's law. We omit this proof here. So, पहला concept हो गया कि potential energy is a point function. ठीक है, दूसरा जो point इसमें बोलना चाह रहा है आपके, question 2.2 defines potential energy difference in terms of physically meaningful quantity work. Clearly, potential energy so defined is undetermined to within an additive constant. आपके constant यदि add भी करते हो ना, तो उसे बहुत difference नहीं आता है. What this means is that the actual value of potential energy is not physically significant. It is only the difference of potential energy that is significant. So we can always add an arbitrary constant alpha to potential energy at every point, since this will not change the potential energy difference. So हमारे लिए जो matter करता है वो potential energy का difference matter करता है, इसलिए हर एक point पर कोई arbitrary constant को भी आप add कर दोगे ना, तब भी आपको
जो डिफरेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देयर इज अ फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट हुज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। सो आपके पास में फ्रीडम है ये चूज करने का कि किस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो बना दूं या जीरो मानूं। क्लियर है? सो आपके लिए कन्वीनियंट चॉइस क्या होता है? ठीक है, सो कन्वीनियंट चॉइस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी, और ये चॉइस को लेते हुए वर्क डन टू चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन हुआ ना, वो उस पॉइंट पी पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी पर मैंने जीरो मान लिया था। क्लियर है? सो इफ वी टेक पॉइंट पी एट आर एट इन्फिनिटी, देन डब्ल्यू आर पी, दैट इज डब्ल्यू इन्फिनिटी पी हो गया, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी और यूपी। सो आई थिंक समझ गए होगे, सिंस द पॉइंट पी इज आर्बिट्ररी प्रोवाइड्स अस विद द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट एनी पॉइंट। तो आप कैसे डिफाइन करोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कन्फिग्रेशन इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर है? समझ गए?